नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर के सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों #VSupportRahulGandhi जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में यहां पर दिग्गज नेता शरद पवार ने कर दिया है बेहद ही बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है। एक दिन करेंगे राहुल गांधी देश का नेतृत्व, शरद पवार का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बीजेपी के साथ में एनसीपी यहां पर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। जो शरद पवार की गुट की एनसीपी है वो नहीं जाएगी, ये यहां पर शरद पवार ने साफ कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी पर काफी दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वे ऐसी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं है जो लोगों के बीच में नफरत फैला रही है। इसके साथ ही यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच राहुल गांधी को लेकर के यहां पर उन्होंने दावा किया और कहा कि राहुल गांधी को लोग अब यहां पर गंभीरता से ले रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है, वह एक दिन देश का नेतृत्व जरूर करेंगे। और वहीं जुमला है 400 प्लस सीट की बात, इस बार बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हर राज्य में भाजपा को भारी नुकसान हो रहा है। दक्षिण भारत में वैसे ही भाजपा बेहद ही कमजोर है, गनीमत होगी अगर भाजपा अपने बलबूते पर 150 सीट भी जीत ले। मोदी जी भी यह बात समझते हैं, इसलिए जयंत और नीतीश जैसों के लिए भी यहां पर दरी बिछाए हुए हैं, जिन पर लगातार पीएम मोदी घोटालों के आरोप लगाते थे, उनको भी अब यहां पर अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। आखिर बीजेपी वालों को इतना डर क्यों है लोकसभा के चुनाव से पहले? अशोक चव्हाण, अजीत पवार, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे कई बड़े घोटालेबाज आज यहां पर बीजेपी के साथ में हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है लोकसभा के चुनाव में और इंडिया गठबंधन कितनी। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान, आज मना रहे हैं ब्लैक डे, कहा मृतक किसान के परिवार को मिले 1 करोड़ का मुआवजा, दर्ज हो हत्या का केस। जी हां दोस्तों, किसान की मौत के लिए मुख्यमंत्री खट्टर पर हो एफआईआर, बोला है संयुक्त किसान मोर्चा। किसान नेता पंडेर ने कहा पीएम मोदी खुद आकर के बयान दें। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है दोस्तों, प्रदर्शनकारी अन्नदाताओं की ओर से आज आक्रोश दिवस का आह्वान किया गया है। इतना ही नहीं, किसानों ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान, 14 मार्च को दिल्ली में करेंगे महापंचायत, ये यहां पर आगे का प्लान भी सामने निकल के आया है दोस्तों। अब यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है, यानी कि देश भर के किसान अब पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहे हैं दोस्तों, सभी संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस से किया गठबंधन तो जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगा दिए हैं धमकाने के आरोप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के इंडिया के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ में गठबंधन होने के चलते कांग्रेस जोश में है। इस बीच दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को तोड़ने की साजिश रच रही है। दरअसल दोस्तों बताते चले, मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह मैसेज भेजा गया है कि अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास में ईडी सीबीआई का नोटिस आएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो बीजेपी लगातार दावे कर रही है 400 प्लस सीट जीतने का, उस बीजेपी के अंदर डर का माहौल है। लगातार विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अब यहां पर बीजेपी की मंत्री ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के भाजपा चाहती है कि वो ही अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत जाए आसानी से। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर पे, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा। बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से। जी हां दोस्तों,
पंजाब के युवा किसान की मौत का मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। याचिका दाखिल कर दी गई है। खट्टर सरकार की मुश्किलें पढ़ी। पंजाब के किसानों के आंदोलन में पंजाब के एक युवा किसान की मौत का मामला अब हाई कोर्ट में चला गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर 22 वर्षीय इस युवा किसान की मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। इसको लेकर के एक वकील ने हाई कोर्ट में आवेदन दे दिया है। दोस्तों बताते चले, कानून से जुड़ी खबरें देने वाली वेबसाइट लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील हरिंदर पाल सिंह ने इसको लेकर के आवेदन दायर किया है। उन्होंने इसमें इस घटना की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। यानी कि अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी दोस्तों खट्टर सरकार की। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताते चले, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। और इस बीच वरुण गांधी को लेकर के बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार उनका टिकट बीजेपी काट देगी और वरुण गांधी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताते चले, माना जा रहा है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं या समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर एक बेहद बड़ी अपडेट ये आई है कि वरुण गांधी जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है क्योंकि खबर यह आ रही है वरुण गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, यह यहां पर इस समय की बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। पश्चिम बंगाल से दोस्तों खबर आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर के। कांग्रेस और टीएमसी के बीच में नहीं टूटी है सीट शेयरिंग पर बात। बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस नेतृत्व के दखल के बाद नए सिरे से सीट शेयरिंग पर बन रही है सहमति। बताते चले, टीएमसी अब 2 सीटों के बजाय 5 सीट देने को तैयार नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस नेतृत्व सीधे ममता बनर्जी से यहां पर बातचीत लगातार कर रहा है। यानी कि अब इंडिया गठबंधन एक एक करके मजबूत होता जा रहा है। जो बीजेपी ने फूट डालने की कोशिश की है वो नाकाम हो रही है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस ने किसान नेताओं पर एनएसए लगाया। कहा सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान। जी हां दोस्तों, एमएसपी समेत अपनी कई मांगों के लिए दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान नेताओं पर हरियाणा की पुलिस ने एनएसए के तहत मामला दर्ज किया है। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि अब इस कानून का भी यहां पर दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। अंबाला पुलिस ने कहा है कि किसान नेताओं ने कई सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 फरवरी को आगरा में दोनों ही नेता दिखेंगे साथ। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 25 फरवरी को आगरा में शामिल होंगे। उन्होंने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि हम यात्रा में शामिल होंगे। जल्द ही कांग्रेस का कार्यक्रम आगरा में होगा और मैं उसमें शामिल होऊंगा। यानी कि अब यहां पर इस यात्रा को अपार समर्थन मिलता हुआ दोस्तों नजर आ रहे हैं और इस यात्रा में अब खुद अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। ये यहां पर इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर रहे तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।